फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में दो ऑप्शंस लिए हैं उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला वाक्य उसने मेरा हार्दिक स्वागत किया ऑप्शन रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स या बी ही रिसीव्ड मी विद वाइड आर्म्स. राइट इज ऑप्शन ए ही रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स टू रिसीव विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि हार्दिक स्वागत करना तो रिसीव विद ओपन आर्म्स आएगा विद वाइड आर्म्स नहीं आएगा अगला वाक्य वह एक आंख का अंधा है ऑप्शन आर ए ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई या बी ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई राइट इज ऑप्शन ए ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई ब्लाइंड ऑफ होता है ब्लाइंड फ्रॉम नहीं होता ब्लाइंड ऑफ वन आई मींस एक आंख का अंधा यानी कि काना अगला वाक्य सांप को देखकर वह घबरा गई ऑप्शन साइट ऑफ ए स्नैक या बी शी वॉज अलॉमड ऑन द साइट ऑफ ए स्नेक राइट इज ऑप्शन ए शी वज अलॉमड एट द साइट ऑफ स्नेक स्नैक एट होता है अलार्म ऑन नहीं होता अलार्म का मतलब होता है कि घबरा जाना तो अलार्म स्नेक में सांप को देखकर घबरा गई अगला वाक्य उसे हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहती है ऑप्शन सर ए ही ऑलवेज कम्पलेंस इन हेडिक या बी ही ऑलवेज कम्पलेंस ऑफ हैडिक राइट इस ऑप्शन बी ही ऑलवेज कम्पलेंस ऑफ हेडिक कंप्लेन ऑफ होता है कंप्लेन इन नहीं होता कंप्लेन ऑफ हैडिक में दर्द की शिकायत करना अगला वाक्य मुझे पैसे की परवाह नहीं है ऑप्शन सर ए आई डोंट केयर ऑफ मनी या बी आई डोंट केयर फॉर मनी राइट इज ऑप्शन बी आई डोंट केयर फॉर मनी केयर फॉर होता है केयर केयर ऑफ नहीं होता फॉर मनी पैसे की परवाह करना आई डोंट केयर फॉर मनी मुझे पैसे की परवाह नहीं है अगला वाक्य उसे बुखार है ऑप्शन सर ए ही इज इल फ्रॉम फीवर या बी ही इज इल विद फीवर राइट इज ऑप्शन ए ही इज इल फ्रॉम फीवर इल फ्रॉम आएगा इल विध नहीं आएगा सो ऑप्शन ए इज राइट अगला वाक्य मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूं ऑप्शन सर ए आई एम सर्चिंग आफ्टर माई बुक या बी आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक राइट इज ऑप्शन ए आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना सर्च फॉर होता है सर्च आफ्टर नहीं होता सर्च फॉर माय बुक बुक ढूंढ रहा हूं अगला वाक्य मैं आपका इंतज़ार कर रहा था ऑप्शन सर ए आई वाज वेटिंग फॉर यू या बी आई वाज वेटिंग यू राइट इज़ ऑप्शन ए आई वॉज वेटिंग फॉर यू वेट के बाद फॉर ज़रूर आएगा वेट के बिना हम uh, फॉर मिस नहीं कर सकते तो वेटिंग फॉर यू मिस आपकी इंतज़ार कर रहा था अगला वाक्य मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ ऑप्शन सर ए आई लव विद माई मदर या बी आई लव माई मदर राइट इज ऑप्शन बी आई लव माई मदर लव के बाद विद प्रपोजिशन नहीं आएगी आई लव माई मदर आना चाहिए आई लव विद माई मदर नहीं आना चाहिए अगला वाक्य उसका जन्म गरीब माता पिता से हुआ था ऑप्शन सर ए ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स या बी ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स राइट इज ऑप्शन ए ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स मींस गरीब माता पिता के घर पैदा होना बॉर्न टू नहीं आएगा बॉर्न ऑफ अगला वाक्य अपने भाग्य पर मत कुड़कुड़ाओप्शन आर ए डू नॉट ग्रम्बल अपॉन योर लॉट या बी डू नॉट ग्रम्बल एट योर लॉट राइट इज ऑप्शन बी डू नॉट ग्रम्बल एट योर लॉर्ड ग्रम्बल एट होता है जिसका मतलब होता है कि कुड़कुड़ -कुड़ करना ग्रम्बल एट होता है ग्रम्बल अपॉन नहीं होता अगला वाक्य मैं इस बिंदु पर आपसे भिन्न हूं ऑप्शन सर ए आई डिफर टू यू ऑन दिस पॉइंट या बी आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट राइट इज ऑप्शन बी आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट पर्सन के साथ डिफर करने में विद आएगा टू नहीं आएगा आई डिफर विद यू आना चाहिए आई डिफर टू यू नहीं आना चाहिए अगला वाक्य मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ ऑप्शन सर ए आई एम कंटेंटेड विद माई लॉट या बी आई एम कंटेंटेड इन माई लॉट राइट इज ऑप्शन ए आई एम कंटेंटेड विद माई लॉर्ड कंटेंटेड विद होता है जिसका मतलब होता है संतुष्ट होना कंटेंटेड इन नहीं होगा कंटेंटेड विद अगला वाक्य वह अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है ऑप्शन सर ए शी इज कॉन्फिडेंट इन हर सक्सेस या बी शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस राइट इज ऑप्शन बी शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस कॉन्फिडेंट ऑफ होता है जिसका मतलब होता है कि आश्वस्त होना कॉन्फिडेंट uh, इन नहीं आएगा कॉन्फिडेंट ऑफ अगला वाक्य इन दिनों मेरा हाथ तंग है ऑप्शन आर ए आई एम हार्ड ऑन दीस डेज या बी आई एम हार्ड अप दिस डेज राइट इज ऑप्शन बी आई एम हार्ड अप दीज डेज हार्ड अप का मतलब होता है हाथ तंग होना हार्ड ऑन नहीं होगा हार्ड अप अगला वाक्य वह तथ्यों से अनभिज्ञ है ऑप्शन सर ए ही इज इग्नोरेंट टू द फैक्ट्स या बी ही इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स राइट इज ऑप्शन बी ही इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स इग्नोरेंट ऑफ होता है इग्नोरेंट टू नहीं होता इग्नोरेंट ऑफ मीस अनभिज्ञ होना किसी चीज का ना पता होना अगला वाक्य वह सर्विस में मुझसे जूनियर है ऑप्शन सर ए ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस या बी ही इज जूनियर देन मी इन सर्विस राइट इज ऑप्शन ए ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस जूनियर टू होता है जूनियर के बाद देन कभी भी नहीं आता अगला वाक्य कौन दरवाजा खटखटा रहा है ऑप्शन सर ए हु इज नॉकिंग द डोर या बी हु इज नॉकिंग एट द डोर राइट इज ऑप्शन बी हु इज नॉकिंग एट द डोर नॉक के बाद एट आना ही आना है नॉक के बाद एट जरूर आएगा सो ऑप्शन बी इज राइट एड को हम मिस नहीं कर सकते अगला वाक्य वह पद के लिए अयोग्य है ऑप्शन आर ए ही इज अनफिट टू द पोस्ट या बी ही इज अनफिट फॉर द पोस्ट राइट इज ऑप्शन बी ही इज अनफिट फॉर द पोस्ट अनफिट फॉर होता है अनफिट टू नहीं होगा अनफिट फॉर मीन्स अयोग्य होना अगला वाक्य यह घर चूहों से भरा हुआ है ऑप्शन सर ए दिस हाउस टीम्स विद रैट्स या बी दिस हाउस टीम्स इन रैट्स राइट इज ऑप्शन ए दिस हाउस टीम्स विद रैट्स टीम विद का मतलब होता है किसी चीज़ से पूरा भरा हुआ होना तो चूहों से घर भरा हुआ था तो टीम्स विद रैट्स आएगा टीम्स इन रैट्स नहीं आएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग